अलीशान किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम नाज़रीन आपको मटन बिरयानी बनाना सिखाएंगे, जो बनाना बहुत ही आसान है। आइए हम इसकी सामग्री के बारे में बता देते हैं। मटन है और 1 किलो बासमती चावल, ये 1 घंटा पहले भिगोना है हमें चावल। ये टमाटर है, छोटा टमाटर कटा हुआ, ये 4-5 हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, ये सारा गरम मसाला पिसा हुआ, दालचीनी और जीरा, 1 प्याज कटा हुआ बारीक, 2 चम्मच सौंफ धनिया बारीक पिसा हुआ, और ये हमारी यखनी का सामान है अंदर डालने के लिए। सारा मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, सौंफ धनिया 1 चम्मच पिसा हुआ, ये नमक है स्वाद अनुसार, ये प्याज है जो यखनी में डालेंगे हम, ये तेज पत्ते हैं 3 से 4, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और ये हमारा मीट है 1 किलो। ये चावल राइस है। आइए हम पहले यखनी चढ़ाते हैं। पहले हम मीट डाल देते हैं बर्तन में, और फिर जो हमने आपको बताया था यखनी का सामान वो सारा डालना है। दो गिलास पानी डालते हैं, अब हम इसको 10 से 20 मिनट तक बनाएंगे। जब अच्छी तरह से मटन गल जाए तो फिर हम निकाल लेंगे। अब ये भगोने में हमने घी डाला है, 2 बड़े चम्मच, आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं घी जैसा यूज करती हूं। अब हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। अब हम चलाते रहेंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन होती आ रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये जल नहीं जाए, लगातार चलाना है। देखिए हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो गई है प्याज। अब हम इसमें सबसे पहले जीरा डालेंगे, फिर ये पिसा हुआ सारा गरम मसाला है, ये धनिया पाउडर है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च, टमाटर, पूरा गरम मसाला पिसा हुआ डाला है हमने इसमें 1 चम्मच। अब हम ये 1 कटोरी दही डालते हैं इसमें। अब अच्छी तरह हमें इसे भूनना है। बहुत ही लजेदार बिरयानी बनेगी हमारी, एक बार जरूर ट्राई करना। अब हम इसको चलाते रहेंगे। अभी हमारा अच्छी तरह भुन गया है, तो हम इसको इसमें मटन डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अभी देखिए हमारा भुनता हुआ तैयार हुआ है, हो रहा है। अब ये भून गया है हमारा, हमने यखनी का भी पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने 1 घंटा भिगोए थे। पानी हमें कम से कम रखना है। एक से दो गिलास पानी डालना है। अब हम अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे। ये हमने आधा नींबू का रस निचोड़ा है। अब हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे। पानी इसमें ज्यादा नहीं रखना है हमें, 1 से 2 गिलास। जब हमारी बिरयानी तैयार हो जाए, पानी थोड़ा सा रह जाए, तो 8 सिलो करनी है हमें, सिलो आचे बनाना है। देखिए अब पानी हमारा थोड़ा सा रह गया है, तो हम 8 सिलो कर देंगे और ढक देंगे। देखिए अब हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें कलर डालेंगे और थोड़ा सा केवड़े की बूंदे 2-3। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी तैयार हुई है हमारी। अब हम इसमें कलर और केवड़ा डालकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हमारी बिरयानी का हम दम लगाएंगे। 5 मिनट तक हमें खोलना नहीं है। अगर पानी बिल्कुल नहीं हो तो आप चूल्हा बंद कर सकती हैं। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनी है, लज्जेदार। अच्छा हमारी ये रेसिपी नहीं खत्म होती है, अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे जल्दी। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।